आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमा विष्ट स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एप्पल जोन रामगढ़ में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारे हर्बल गार्डन में कितने प्रकार की बेसिल अर्थात तुलसियाँ लगी हुई हैं, पर समय के अभाव में टूरिस्ट आ जाने के कारण गार्डन में टूरिस्टों को विजिट कराया, इस कारण से थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया। मैं केवल थाई बेसिल ही दिखा पाई। आज मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी बेसिल लगी हैं। अमूमन हमारे पहाड़ों में रामा बेसिल ही लगाई जाती है, जो अभी ये तैयार हो चुकी है। इसका बीज तैयार हो चुका है और हम इस तरह से पत्ते निकाल लेंगे इनको और इसका यूज करेंगे। और कौन कौन सी बेसिल लगी हैं मैं आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जी हाँ साथियों, जैसे इस तरह से हमारे गार्डन में तुलसियाँ जगह जगह पर तैयार हो चुकी हैं और हम इसे इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से काटेंगे कि इसमें से एक कुछ पार्ट जहाँ से साइड से नई ग्रोथ आ सके हमें इस तरह से छोड़ना होगा, जो कि नई ग्रोथ आ सके। जी हाँ साथियों, पौधे को इस तरह से काटना है जो आउट साइड से नई ग्रोथ आ सके और पौधा फिर से अपनी शेप में आ सके। आजकल पहाड़ों में धीरे धीरे ठंड शुरू हो चुकी है तो बेसिल ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम और ये ग्रो कर सकती है। आई और कुछ पॉली हाउस के अंदर हम सेव कर सकते हैं और इसके तैयार बीज से हम चाय बना सकते हैं। इसके पत्ते सुखा करके हम चाय ले सकते हैं और इसके बीजों का हम फिर नेक्स्ट टाइम नर्सरी तैयार कर सकते हैं और इसकी चाय भी ले सकते हैं। आइए मैं आपको इसके अलावा अन्य बेसिल तुलसी दिखाती हूँ। ये है थाई बेसिल, इसको भी सेम इसी तरह से काट लिया जाएगा। ये है स्वीट बेसिल, ये है लॉन्ग तुलसी और ये है कपूर तुलसी, ये है श्यामा बेसिल, ये है स्वीट बेसिल। ये भी बीज के लिए तैयार हो चुके हैं। ये है कपूर तुलसी, ये है स्वीट बेसिल जिसमें बीज तैयार हो चुका है। इसकी भी हम इस तरह से कटाई कर लेंगे और बीज तैयार हो, बीज को हम नए पौधों के लिए रख लेंगे। ये थाई बेसिल है, इसको भी फूड में यूज किया जाता है और ये सारे इस तरह से बीज तैयार हो रहा है। अभी इस बीज तैयार नहीं हो चुका है, अभी ये तैयार हो रहा है, फिर इसको बीज अलग कर लेंगे, पत्ते और ये सब काम पर आ जाएगा। इस तरह से इसके पत्ते तैयार हो चुके हैं तोड़ने लायक, इसको हम सुखा लेंगे छाया में और इसको भी सेम इसी तरह से काट लेना चाहिए इसकी, जिससे इसके आउट साइड की रूट्स दोबारा से नई ग्रोथ ले सकें। और इसके बीज का ऊपरी हिस्सा यदि काट लिया तो पौधा अच्छी ग्रोथ ले लेता है। आजकल हमारे वहाँ धीरे धीरे सर्दी शुरू हो चुकी है तो हमारे वहाँ तुलसी बाहर मुश्किल से बच पाती है और यह सब पॉली हाउस या गमलों में ढक करके ही बचानी होती है। और नर्सरी में हमारी इस तरह से कुछ पौधे तैयार हो चुके हैं और जिसको हम इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और बाहर हमारी तुलसियाँ सेव नहीं रह पाती हैं, इसलिए हम इन्हें पॉली हाउस के अंदर लगा देंगे।
ये मैंने गमलों में लगा दिए मंजरी तुलसी के प्लांट, क्योंकि सर्दियों के दिन आ चुके हैं और बाहर तुलसियां खराब हो जाती हैं, इसलिए पॉली बैग में मैंने पॉली हाउस के अंदर लगा दी कुछ सेल करने के लिए, और कुछ मैं लगा देती हूँ जमीन में। आइए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।